आपके जो जोड़ी है जिस वजह से आज हम लव आजकल देख रहे हैं, न्यू वर्जन लव आजकल, किसे क्रेडिट देंगे आप इम्तियाज अली के अलावा, मतलब करण जौहर को या रणवीर सिंह को, क्योंकि उन्होंने आपको मिलाया कहीं ना कहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाइपोथेटिकली ये बहुत अच्छा साउंड कर सकता था, लेकिन आई थिंक इम्तियाज़ अली सर ही हैं जो पूरा क्रेडिट लेते हैं, और उन्हीं की वजह से हम दोनों इस फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने ये फिल्म को, चाहे वो लिखा हो, चाहे वो डायरेक्ट किया हो, उसके अलावा चाहे वो कास्टिंग सोची हो, वो बहुत ही अलग ही, मतलब बहुत पहले ही उन्होंने ये कास्ट सोच रखी थी दिमाग में, एंड पूरा श्रेय उनको जाता है, पूरा क्रेडिट उनको जाता है, एंड या बिफोर कॉफी करन हैपन कास्टिंग सोच के नहीं मैं ऑलरेडी फिल्म कर रहा था इम्तियाज सर के साथ, बट उनके दिमाग में आई डोंट नो तब तक क्या, मतलब मैंने कभी ऐसा पूछा नहीं कि किसकी वजह से या क्या चीज़ की वजह से, बट ऑफकोर्स आई रियली फील कि जो पूरा एक डायरेक्टर्स मीडियम होता है वो हर चीज़ के परे होता है इन सब चीज़ों में, कास्टिंग को लेकर चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, एक 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 पेयर की तरह उनको आई थिंक ये आई थिंक दिख रहे हैं हम दोनों इस फिल्म में, और दिख रहे होंगे तब भी जब उन्होंने कास्टिंग सोची होगी, सो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी चीज़ के को लेकर उन्होंने ऐसे सोचा था, वो एज अ फिल्म ही हमेशा से, एंड इम्तियाज़ अली सर इज़ दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर और दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो जो कैरेक्टर को लेकर दिमाग में चलते हैं और एक्टर्स को उस हिसाब से आई फील कास्ट करते हैं, आज तक कि उनके जितने भी एक्टर्स रहे हैं वो मतलब काफ़ी बड़े नाम हैं या फिर काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं, तो आई रियली फील दैट इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर both of us being a part of love aajkal. Sara, you had also, you know, said once, like, you used to adore Karthik and also one of the reason was Karthik aapko bahut sharmati the pehle pehle, you know, jab Sara is tarah se baat karta, abhi bhi sharmata hu. Yeah, what I would say, you know, now like you are together and we are also really really happy to see you all together, very good, sweet. Yeah. Sir, come see us together for 2.5 hours on the 14th of February and celebrate love with us. Your chemistry can be seen, you know, it's happening, it's fabulous. And everyone is like enjoying together, that's what you mean to say. So what do you have to say on that? Sara also knows that. Thank you very much. Film release होने से पहले या poster निकलने से पहले हुआ, किसी का हुआ नहीं है। It's difficult to keep like while I'm appreciative, but it's difficult to keep answering this question with equal enthusiasm because one has been saying this now for like 20 days nearly. But we should say it like it's the first time because आपके लिए तो पहली बार है, तो बोलेंगे। बोलेंगे। I think that we're very grateful. It's not very often that you see. People getting this kind of love and this kind of traction before anything of the film even comes out, you know. So 98% बहुत thankful हूँ और अभी 2% थोड़ी nervous भी हूँ क्योंकि अभी Valentine's Day के दिन scrutiny तो बहुत होनी है कि देखते हैं ये है क्या लेकिन. So I mean really, but that aside, I think that we both, I can speak for both of us when I say that we're very very thankful. And very very grateful to all the encouragement that we get. Sara, इसके अलावा आपके daddy ने love आजकल की है, किस तरह की memory रही है वो time की आपकी, और आपने जब पहली बार love आजकल देखी थी तो उस बारे में कुछ बताइए. सर देखी तो मैंने इम्तियाज़ सर की सारी फिल्में हैं और सारी ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. Every time मैं ये सोचती हूँ कि मैं love आजकल के set पर थी, मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब मैं इम्तियाज़ सर के set पर थी और मैंने कुछ देखा नहीं, मतलब मैंने एक्टिंग देखी नहीं किसी की, मैंने शॉट्स देखे नहीं, मैं सिर्फ खाना खा रही थी और दीपिका के मेकअप के साथ खेल रही थी, तो बहुत ही स्टुपिड फील होता है. काश मैं वहाँ जाकर कुछ सीख लेती बैक देन, तो लेकिन नहीं किया. पर आपको क्या सीखने की जरूरत, आपके मम्मी डैडी इतने उलझे हुए एक्टर, आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं? मैम काश ऐसा होता, लेकिन कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ ये रगों में दौड़ने वाली चीज़ होती नहीं है. तजुर्बा होता है दोनों मेरे माता पिता का एज एक्टर्स, जिसका लाभ मैं उठा सकती हूँ, लेकिन टैलेंट सब में अपनी होती है, इंसान सब अपने ही होते हैं और किस्मत भी हम अपनी ही लेकर आते हैं, तो ऐसा नहीं है. सॉरी, मैं कट किया. नहीं, दैट्स ओके. सो जब ट्रेलर बाहर आया, सो सेफ सर ने अपना एक रिएक्शन भी डाला,
उनको उनका ट्रेलर ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं इनकी तरफ से बोल देता हूँ, सब अपनी अपनी फिल्मों को लेकर पोजेसिव होते हैं, हम लोग को सबको अपनी पिक्चरें अच्छी लगती है, तो हमें भी हमारा ट्रेलर बेटर लगता है और अच्छा लगता है। एंड घर की बात है, ऐसा कुछ है नहीं कि किसी ने हाँ ऐसा बोला है, तो इट्स ऑल इन फन एंड गेम्स। आई मीन इट्स जस्ट वो भी बहुत हंसते हुए ऐसे ही बोले थे यू नो कि उनको पसंद आया, तो और फिर मुझे कॉल भी किया, वो मुझे कॉल किया और कहा कि नो आई डोंट नो व्हाई सेड दैट, एंड आई सेड ये अच्छा सबके सामने बोलो योर ट्रेलर्स बेटर, अकेले में मुझे मड आइलैंड के फेरी पे फोन करके बोलो आई डोंट नो व्हाई सेड दैट, जाके बोलो सबके सामने आई डोंट नो व्हाई सेड दैट, हद है, अब बोल दिया मैंने बोला मैं बोलूंगी, हो गया अब हो गया सबको बता दिया। सोशल मीडिया पे देयर इज सार्थक एंड ऑल, तो लेटेस्ट नाम आपको कितने कितने नाम पता है जो जोड़ियों के, इवन आई वांट टू नो, क्योंकि एक नया नाम आया, जस्ट वांट टू से कि आपको पता है कि नहीं, आप बताइए कितने नया नाम आया। हां आप दोनों को मिला, जैसे सार्थक है, सार्थक पता है हमें, और कारा करारा करारा सरकार, ओके सर सारा कार्तिक सरकार, देयर इज अनदर वन, एक और है कसारा, सीरियसली आई एम टेलिंग यू दिस, वेरी गुड, तो मतलब अलग अलग नाम बन रहे और भी बढ़ रहे सार्थक सार्थक सार्थकियन बहुत है जी जी। Like which was the part that you I loved it. Look बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहे हैं मेरे लिए दोनों, मैं दो किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में, आज में वीर है और कल में रघु है, दोनों ही कैरेक्टर मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है प्ले करना, बिकॉज मैंने कभी ऐसे रोल्स नहीं किए अपने करियर में, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, आउट ऑफ माई ओन कम्फर्ट जोन जा रहा हूँ, जिसमें ऐसे दो कैरेक्टर्स और वो भी दो कैरेक्टर्स के साथ एक ही फिल्म में, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये फिल्म, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म एंड कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रे करने का मौका था मेरे लिए, ये आसान मेरे लिए इम्तियाज़ अली सर ने कर दिया, उनकी जो अप्रोच उन्होंने मेरे लिए रखी, साथ ही साथ मुझे इतना सिखाया, आई थिंक इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और बहुत एक ऐसा लगा कि मैं नया एक जर्नी स्टार्ट किया हूँ यहाँ से एज एन एक्टर, एंड बहुत फुलफिलिंग एनरिचिंग एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो होता है वो इस फिल्म से मुझे मिला, ये किरदार निभा के मिला है, चाहे वो रघु हो जो कि जिसकी जर्नी एक स्कूल से लेकर उसके मैनहुड तक है, वो पूरा एक विद इन अ स्पैन ऑफ मतलब कुछ सालों की कहानी है वो, और उस पूरी जर्नी में मतलब इतने चेंजेस है फ्रॉम हिज ओन, उसका कैरेक्टर ग्राफ इतना चेंज होता है, लुक्स तो चेंज होते ही रहते हैं लेकिन लुक्स से ज़्यादा उसका कैरेक्टर का ग्राफ भी बहुत चेंज होता है, साथ ही साथ ये वीर जो कि वियर्ड लग सकता है पहले ही अप्रोच में क्योंकि वो अनफिल्टर्ड विदाउट फिल्टर वाला इंसान है, वो कुछ भी बोल देता है सामने बोल देता है किसी के, और इस वर्ल्ड में कुछ भी किसी के सामने बोल देना थोड़ा वियर्ड साउंड कर सकता है, रोबोटिक सा इंसान है, हमेशा आइसोलेशन में रहा है, फैमिली से भी अलग रहा है, तो वो थोड़ा लोगों के बीच में थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा अलग सा आइडेंटिटी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो उससे कि कुछ वियर्ड बात है उसको लेकर, एंड आई रियली फील कि उसका वियर्डनेस नहीं, वो उसकी स्मार्टनेस है, वो सबसे ज़्यादा एक्चुअली रूम में अगर होगा तो स्मार्ट आदमी होगा, एंड टू प्ले समथिंग लाइक दैट वॉज अ चैलेंज बिकॉज वो कहीं पे भी जा सकता है, वो बहुत थिन लाइन है दोनों कैरेक्टर्स में रघु और वीर में, बट वो थिन लाइन एक्चुअली मेंटेन इम्तियाज़ सर ने पूरी तरह से करवाई, और सारी वर्कशॉप्स बॉडी लैंग्वेज प्रेप्स रिदम ब्रेक जितना भी किया, ये पहली बार सब मैं कर रहा था इस फिल्म में और मैं बहुत सीख के जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं चाहता था ये फिल्म खत्म ही हो, इतना मजा आया मेरे को ये शूट करते हुए। अरे कॉन्फिडेंट लड़की है एकदम, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, मुझे लगता है कि जोई को निभाने की सबसे एक्साइटिंग चीज मेरे लिए ये थी, और इंटरेस्टिंग बात है कि आपने भी मुझे कॉन्फिडेंट बोला क्योंकि इसका रिलेशन इससे बहुत स्ट्रांगली है, बहुत ऑफन एंड नियरली ऑलवेज मैं बोलना चाहती हूँ जो हम अंदर से फील कर रहे होते हैं हम बाहर से वो नहीं दर्शा रहे होते हैं,
और ये खासियत है मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर की कि जितनी ही नाजुक रोमांटिक सॉफ्ट वो अंदर से है उतनी ही ड्रिवन फोकस्ड लाउड ऑलमोस्ट अग्रेसिव वॉलेटाइल इफ़ यू विल वो है बाहर से. और वो जो मिश्रण है इस कैरेक्टर का वो मुझे निभाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि इम्तियाज़ सर के साथ बैठ बैठ कर मैं सीखी हूँ और समझी हूँ कि इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनाए रखना चाहिए एक फिल्म में. क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ मोमेंट्स में सिर्फ अंदर वाली जोई होती हैं और बहुत मोमेंट्स में सिर्फ बाहर वाली जोई होती है. यू नो ही सेज इन द ट्रेलर ना अंदर वाली बाहर वाली, ऐसा नहीं है दैट ही इज़ जस्ट सेइंग थिंग्स बिकॉज दे आर एक्चुअली सो डिफरेंट. फैमिली वाली जोई करियर वाली जोई अलग है, अंदर वाली जोई बाहर वाली जोई वाकई ही अलग है. और मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसा होता है आज के ज़माने में स्पेशली ऐसा होता है. जितना आप अंदर से होते हो वैसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से करो. आज के ज़माने में करियर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, कंपटीशन इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, इतने लोगों के सपने हो गए हैं, इतना कट थ्रोट दुनिया हो चुका है कि इसमें कहाँ अपने अंदर की जो एक साधारण सिंपल सी एक लड़की होती है उसके सपने को कितनी हद तक हम बरकरार रख सकते हैं अपने फ्यूचर को भी मद्देनज़र रखते हुए. बहुत ही एक ऑलमोस्ट हेक्टिक चीज़ होती है जो मैं इस फिल्म के जरिए सीखने की कोशिश कर रही हूँ. तो जिस तरीके से एक सेकंड तो सारा जब ट्रेलर आया था तो जब साइड से बातें सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स आते हैं एवरीवन तो मीम्स बनने लग गए थे. तो समवेयर अराउंड एक जो आपके डायलॉग पर जो मीम बना था यू रिसेंटली स्पोक इट हर्ट्स यू, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ. बट डू यू थिंक पीपल जजमेंट बहुत जल्दी पास कर देते हैं अनटिल अनलेस देखने मतलब समझने की कोशिश करें या अगर अगर फिल्म देख ले उसके बाद करें बात अलग है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक इट्स ग्रेट. I think it's great. You should make your judgments quickly because in the age of social media, you'll take it back also quickly. जितनी आसानी से आप बोलोगे ये शॉट मेरे को अच्छा नहीं लगा उतनी आसानी से आप शायद देख के बोलोगे ये कितना अच्छा शॉट है. जितना ही आप बोलोगे ये गाना ज़्यादा सही नहीं है तीन बार सुन के बोलोगे वाओ इट्स माय फेवरेट सॉन्ग. आज के ज़माने में जो भी बोला जाए इतना तजुर्बा देने की ज़रूरत नहीं है उसे. मतलब जो भी है तवज्जो तजुर्बा एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं लेकिन सॉरी इतना नहीं देना चाहिए. आई थिंक बहुत आवन जावन होता है आज के ज़माने में ऑलमोस्ट ओपिनियंस स्पेशली बनते हैं टूटते हैं बनते हैं टूटते हैं बनते हैं टूटते हैं और आई डोंट टेक इट टू सीरियसली. शी ट्राइज बाहर वाली सारा इज मैच्योर इन हर थॉट्स. जी मैं इस बारे में अभी कुछ बात मतलब आई थिंक इम्तियाज़ अली सर से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटर है. बाकी जी मैं और जी मैं ओम राउत जी की फिल्म कर रहा हूँ अगली फिल्म जो कि मेरी पहली एक्शन फिल्म होगी. और काफ़ी टाइम से मुझे एक एक्शन फिल्म करनी थी एक अगेन एक जॉनर जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. एंड ताना जी देख के आई वॉज़ ब्लोन अवे विद द फिल्म. जिस तरीके की वो फिल्म है जिस स्केल की वो फिल्म थी और इनके जो और जो विजुअली या फिर जो ओम राउत का एक सेंस ऑफ विजन है वो बहुत आगे की सोचते हैं. सो आई रियली आई एम ग्लैड कि उनकी नेक्स्ट मूवी का हिस्सा मैं बन पा रहा हूँ. तो मेरी नेक्स्ट फिल्म मैं उनके साथ एक ओम राउत के साथ फिल्म कर रहा हूँ. मैं कार ड्राइव कर रहा था और बच्चों की बस वहाँ से जा रही थी स्कूल बस थी और उन्होंने देख के वो होता है जनरली वो चिल्लाने लगते हैं वो बहुत खुशी अच्छा लगता है जब ऐसे होता है. बट वो गाना गाने लगे तो और भी अच्छा लगे धीमे धीमे गाना लगे सबके सब और पूरी बस के स्टूडेंट्स गाने लगे. मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बाहर भी आ जाऊँ गाड़ी के और नाचने लगूँ वहाँ पर बट वो सिग्नल था तो वो ट्रैफिक होने के चांसेस थे तो हम लोग निकल गए. लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब बच्चे भी आपके किड्स दे सिंग योर सॉन्ग एंड दे नो इट बाय हार्ट. मतलब मैं रियली चाह रहा हूँ अभी अब ये चीज़ आई थिंक हाँ मैं गलत के साथ हो रही है. बहुत लोग बहुत बच्चे डांस कर रहे हैं बहुत लोग हमारे गानों को लेकर एक्साइटेड हैं. तो आई रियली फील कि अगली बस में या फ्लाइट में जाएँ तो सब लोग हाँ मैं गलत गा रहे हैं. It took you 9 years. एक सेकंड कार्टिक, took you 9 years to do an इम्तियाज़ अली film. Considering जैसे आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूँ, being an outsider या कोई support नहीं, how do you look at it?
I'm proud of my struggle. I'm proud कि इतने जितने भी साल लगे या लेकिन जो भी है मेरे को मुझे लगता है कि पिछले डेढ़ साल से दो साल से मेरी जर्नी का एक ये दूसरा पड़ाव चालू हुआ है. आई थिंक सोनू वॉज लाइक अ रीलॉन्च फॉर मी एंड वहाँ से मेरी जर्नी आई रियली फील बिफोर सोनू एक अलग जर्नी चल रही थी एंड आफ्टर सोनू आई एम गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ दोज डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था. माई फेवरेट बींग इम्तियाज़ अली सर जिनके साथ ये मौका मुझे अब जाके मिल रहा है एंड फाइनली ऐसे किरदार निभाने का मौका मिल रहा है जो मैं हमेशा से शायद करना चाहता था या फिल्मों का जिनका हिस्सा भी बनना चाहता था. और लव आजकल इज़ वन ऑफ दोज फिल्म जो मेरे लिए अगेन मुझे ऐसा लगता है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है एंड आई थिंक ये भी जैसे सोनू मेरे लिए रही थी शायद से लव आजकल भी करियर टर्निंग फिल्म रहे. ऐसा कुछ अगर होता है तो हम लोग रोज वैलेंटाइंस डे मनाते हैं. ऐसा क्या वैलेंटाइंस डे एक ही दिन नहीं होता. लव आजकल देखने जरूर जाएंगे वैलेंटाइंस डे पे इस बार. और प्लान कैसे बताएं यार ऐसे ये आपस की बात है हमारी. कुछ और अभी भी स्कूल में ही हम और लाइफ इज अ स्कूल. सारा जी स्कूल में कुछ स्कूल वाला वैलेंटाइंस डे you had a crush or someone had a crush, someone came in. So during school I had a major crush on food and we used to celebrate together. Propose kiya food ko? Yes. Valentine's food ne mujhe propose kiya. Don't leave me baby. Don't leave me. Just keep going. Khane se pyar. छोड़ खाने को छोड़ दिया. छोड़ना पड़ा खाना बहुत. I swear, ऐसा नहीं है. ऐसा है नहीं. कसम खा रही है. नहीं है ऐसे. मैं अब फूड के साथ ही वैलेंटाइंस डे बनाता हूँ. मैंने खाने को नहीं छोड़ा. मेरे साथ खाना रहता है. क्या बोलूँ मैं. कौन सा एक्सपीरियंस. स्कूल वाला प्यार. ये अपने अंदर की बातें बता रहे. हाँ सिमरन क्या तुम लगे हो. स्कूल वैलेंटाइंस डे आई थिंक मैंने भी स्कूल में मैंने लव आजकल देखी थी. पूरा आंसर मैंने अभी क्या पूरी डिटेल में जाओ. आपने अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप मोटी और विदाउट शाइन द वे आपने वो वीडियो शेयर किया था. सो बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि वेट कैसे पुल डाउन करें या किस तरह से हेल्दी लाइफ जी. मुझे लगता है कि संतुलन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसका लेना देना सिर्फ आपके लुक से नहीं है आपके मेंटल हेल्थ से भी है. जितना आप वर्कआउट करेंगे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने कहा संतुलन में और मात्रा में. लेकिन एक घंटा एक डेढ़ घंटा रोज़ अगर आप वर्कआउट करेंगे आपको अंदर से भी बेहतर लगने लगता है. और अंदर से जब आपको बेहतर लगने लगता है तो आप ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं. और जब आप ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं तो आप ज़्यादातर सही चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं. जैसे अगर मैं सुबह उठकर वर्कआउट करूँगी एक घंटे के लिए फिर मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि अभी 5 चॉकलेट खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होता है जो आपने किया उसका. तो आई थिंक ईटिंग हेल्थी वर्किंग आउट स्लीपिंग राइट ड्रिंकिंग वाटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट गिविंग अप. क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपका 1 इंच घटता जाएगा. बहुत बार ऐसा है मुझे आज तक मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं डाइट करूँगी वर्कआउट करूँगी सब करूँगी और हफ्ता चला जाएगा 2 हफ्ते चले जाएंगे और मैं बिल्कुल पतली नहीं होंगी मेरा वेट बिल्कुल नहीं घटेगा. लेकिन और ऐसे में बहुत आसान हो सकता है कि आप बोलो चलो यार छोड़ो नहीं हो रहा गुलाब जामुन ले आओ. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. कर सकते हो ऐसे नहीं करना चाहिए बस कोशिश करनी चाहिए बार बार. सारा रिसेंटली रोहित शेट्टी सेड कि ही वांट यू एंड सारा मतलब यू एंड कार्तिक इन
Chennai Express ka remake. So any thoughts on that? Because he's buying the ticket. We are going. Can you call him back? मैं अभी call कर रहा हूँ. नहीं ये कब से बोलोगे? I'm calling him. Just call him up. I forgot. This is not something to forget, Rohit sir. He's joking. He didn't forget. He's very busy. We can't do that. No no we can. Of course we can. You're not calling Rohit sir. No no we'll call Rohit. Yeah, Rohit sir, we are calling you. हम call कर रहे हैं. हम आ रहे हैं. आप हमें call तो नहीं कर रहे हो. हम आए आए. हाँ. आ रहे चेन्नई एक्सप्रेस लेकर. खतरनाक बोल रहे सर. बहुत अच्छी बात है. शहनाज अगेन जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग गए थे, साथ में गए थे बिग बॉस में जब गए थे, वो वहाँ पे भी जिस तरीके से रिएक्ट करती हैं और जो उनके दिल में आता है वो बोल देती हैं, तो वो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कोई इंसान सामने से अपफ्रंट होके विदाउट थिंकिंग बोलते हैं. तो वही शहनाज की खासियत है. एंड आई वॉज ग्लैड आई मेट हर ट्वाइस इन बिग बॉस हाउस. एंड वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है जब भी मिलते हैं. तो वो कुछ ना कुछ करती है. पोर्ट्रेट बना दिया था लास्ट टाइम एंड उन्होंने बोला था, मैंने इंस्टाग्राम में वो पोस्ट किया था उनका पोर्ट्रेट घर ले जाके, तो वो मैंने प्रॉमिस निभाई थी. मेरी मम्मी बिग बॉस बहुत देखती है. मम्मी बहुत देखती है. फोन भी लगाया था. हाँ फोन भी लगाया था. शी लव्स शहनाज. या आई थिंक शे हाँ या शी लव्स हर. शहनाज जीतनी चाहिए. काफी स्ट्रगल रही है. तो दिस इज यू कैन दिस इज बेस्ट गिफ्ट फॉर वैलेंटाइन डे टू द ऑडियंस लाइक यू. यू हैव कार्तिक एंड सारा. यस सॉरी सर. हां बेस्ट गिफ्ट यू कैन से ऑन द वैलेंटाइन डे टू द ऑडियंस एक्चुअली लोग आर वेरी यूजफुल स्पेशली ऑन वैलेंटाइन टॉकिंग अबाउट लव. See, sir, in a very like fake and dirty promotional way, I can say, please aaiye aur hamari film dekhiye. But jokes apart, I'll tell you that in the past 1 year, I've spent like all my energies on this film. And as an actor, there's nothing more than full honesty and conviction that you can give any role that you do. बहुत ईमानदारी, बहुत सच्चाई से ये फिल्म बनाई है. और मैं अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हूँ. तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई गिफ्ट मैं वाकई किसी को दे सकती हूँ. I think that please come and watch the film on Valentine's Day. Kya sir? Kya sawal? What do you want to give it's them? A perfect gift to the couple, to the audience. अरे हम दोनों आ रहे हैं ना? हम यही हम दोनों आ रहे हैं लव आजकल लेकर 14 फेब को और बहुत प्यार वाले दिन में आ रहे हैं, प्यार वाली चीजें लेकर और आपको बहुत प्यारे लगे. बस यही होप करते हैं 14 फेब लव आजकल देखने चले जाइएगा. सिर्फ लव आजकल टाइटल है. मैम आई थिंक इट्स वेरी लव इज समथिंग दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम यू नो एंड इट्स समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स एंड आई थिंक दैट द लेस यू से अबाउट इट द मोर ब्यूटिफुल इट इज एज अ कॉन्सेप्ट. इस पर फिल्में बननी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए, मेरा वो मानना है. ट्रू लव पे बिलीव करता हूँ. आई रियली फील कि कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में. और साथ ही साथ आई फील कि डेफिनेशन कोई लव की नहीं हो सकती, बिकॉज वो फीलिंग है, वो बयान नहीं की जा सकती. और मतलब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपको बस बहुत अच्छा लगना चाहिए एक रिलेशनशिप में. सफोकेशन नहीं होना चाहिए. थैंक यू. हमारी फिल्म आ रही है लव आजकल. लव के दिन, प्यार वाले दिन, प्यार भरी फिल्म. प्लीज 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 देखिएगा 14th फेब वैलेंटाइंस डे को लव आजकल. थैंक यू. Thank you. Thank you. Shout out है, बहुत बड़ा shout out है. चलो thank you all the way. What he said? Shout out देना है. Shout out. Yes. चलिए sir.
सर थोड़ा कैंडिड दिला सर थोड़ा कैंडिड क्या करें उठा लो सर सोलो कर लेते सर का एक मिनट रुक रुक पीछे ना सोलो सर सर पीछे मेरा वाइट ज़्यादा नहीं है थोड़ा कैंडे थोड़ा मस्ती थोड़ा कैंडे क्या उठा नहीं सकते नहीं नहीं मस्ती थोड़ा कुछ बहुत मस्ती है नहीं ये थोड़ा मस्ती है मज़ा नहीं है ये तो नॉर्मल है पुराना है आप भी बता दो क्या करना है ये भी रिकॉर्डिंग ही हो रहा है बलून ले सिंगल 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 टू सेकंड राइट लेके Thank you. Thank you.